नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह झांसी का वो मार्ग है जो सिपरी बाजार का इलाका है और यह कारगिल पार्क से पीछे वाला इलाका है जो कि आप सीधे जर्मनी हॉस्पिटल की तरफ जाता हुआ देखते हैं। यहां से आपको अंदर जाने के लिए कई सारे रास्ते हैं, जिसमें जो आगे आप थोड़ा जब चलते हैं तो एक पंडित विवाहगर के नाम से बहुत प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ अंदरूनी इलाका जो है वो कैसा है हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ से जो आप सीधा रास्ता देख रहे हैं यह जर्मनी हॉस्पिटल के लिए जाएगा। पिछले अगर कई सालों के बाद अगर आप यहाँ का नज़ारा देखेंगे तो पूरी तरह से आपको यहाँ बदलाव दिखाई देगा। ये जो मोड़ आएगा यह झांसी का पंडित विवाहगर की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पिछले कुछ सालों में खूबसूरत मार्केट डेवलप हो गई है और अंदर की जो कॉलोनी है वो भी बहुत खूबसूरत है। हम आपको दिखाते हैं इस चौराहे की जो मार्केट है, माफ़ करें तरह है, ये तीन रास्ते हैं। ये रास्ता सीधा जो आप देख रहे हैं ये जर्मनी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। यहाँ पर जो मार्केट है उसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत दुकानें हैं, सैलून की दुकानें भी हैं, रेस्टोरेंट है और गारमेंट्स की दुकानें हैं कई सारी। और सीधा रास्ता आपको सामने जार पहाड़ दिखाई दे रहा होगा झांसी का, माफ़ करें जार पहाड़ नहीं, सिपरी बाजार के जर्मनी हिस्से का पीछे का यह पहाड़ है। और यह रास्ता अंदर पंडित विभाग के घर की तरफ जाता है। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपको यहाँ बदलाव नज़र आता होगा। पिछले कुछ सालों में यहाँ जो आसपास खाली प्लॉट से अब वो प्लॉट बदल कर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बदल गए हैं, भवनों में बदल गए हैं। यहाँ पर ये सामने देख सकते हैं लिखा हुआ है शिखा ब्यूटी पार्लर और द लुक्स हेयर सैलून। झांसी की गलियों में इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा होने लगी। ये वो पंडित विवाहगर है जिसके नाम से ये इलाका काफ़ी फेमस है। सिविल लाइन में यह इलाका आता है, पंडित विवाहगर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसीलिए इस इलाके के हिस्से को, वैसे तो यह सिपरी बाजार के मसीहागंज का इलाका है लेकिन पंडित विवाहगर जो कि यहाँ का बहुत फेमस है उसकी वजह से इस इलाके को पंडित विवाहगर का इलाका भी कहते हैं। लेकिन यहाँ के आप जो निवास देखेंगे तो बहुत बदलाव, बहुत खूबसूरत सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। अंदरूनी हिस्से आपको अगर यहाँ को दिखाते हैं हम, यहाँ पर एक बहुत पुराना आपको बोर्ड भी दिखाते हैं। जिस समय झांसी में जो रविंद्र शुक्ल विधायक रहे, बाद में यहाँ पर मंत्री भी बने, वो उनके द्वारा 2001 को इस सीसी मार्ग का जो शिलान्यास किया गया था। ये काफ़ी पुराना पत्थर है, ये पत्थर बहुत कम आपको मिलेगा। उस समय ये रविंद्र शुक्ल झांसी के जो विधायक थे, मतलब 2001 यानी कि लगभग 22 साल पुराना यह हम आपको पत्थर दिखा रहे हैं। बहुत पुराना पत्थर है और ये अंदर का इलाका है। यहाँ भी सामने भी ये आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप अंदर की तरफ चल सकते हैं तो ये खूबसूरत इलाका है झांसी का, VIP इलाका कहा जाता है। लेकिन शांत, साफ सुथरा और खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि अगर झांसी की खूबसूरती देखना है और झांसी का बेहतरीन स्थान देखना है तो जैसे जो VIP इलाके होते हैं उनको जब आप देखने निकलते हैं तो उनमें एक इलाका सिपरी बाजार का यह मसीहागंज का इलाका बहुत शांत और खूबसूरत माना जाता है। यहाँ का यहाँ से भी देख सकते हैं लोग, यहाँ भी आपको देख सकते हैं। तो ये जो इलाके झांसी के हैं वो खूबसूरत इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत अच्छी दिखती है। यहाँ के जो भवन हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, ये देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान खान। रिजवान खान जी, आमिर जी हैं। यहाँ पर क्या पढ़ने आए थे? कोचिंग आए थे आज। अच्छा, यहाँ पर कोचिंग भी है?
ये देखिए कौन सी कोचिंग है भैया? मैथ की कोचिंग। अच्छा मैथ की कोचिंग, अच्छी कोचिंग है, बेहतरीन। क्या नाम है मैडम को जो पढ़ाती हैं? मैडम का नाम है सुनीता मैडम। अच्छा अच्छा, तो किस लेवल की पढ़ाती हैं? 10th class 12th। अच्छा अच्छा, अच्छी है मतलब। चलिए धन्यवाद आपको। तो देख सकते हैं यहाँ गलियों में भी जो मार्केट संवाद को चाहने वाले हैं वो आपको हर जगह मिल जाएंगे और हर जगह, लेकिन आपको ऐसी खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत मकान। ये आदर्श नगर सीपरी बाज़ार का इलाका है, खूबसूरत बेहतरीन इलाका जिसे कहते हैं शानदार इलाका। उस इलाके को हम यूं ही आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए कितना साफ सुथरा, जैसे कितना स्वच्छता अभियान का एक नमूना है। और ये पीछे के हिस्से से जो सड़क है वो आपको वापस उसी रास्ते पर ले जाएगी जहां आप आए थे, यानी कि कारगिल पार्क के पीछे वाले हिस्से में आपको यह सड़क मिल जाएगी। ये आदर्श नगर का इलाका है, पंडित बवाहगढ़ के पीछे वाला आपका इलाका है, लेकिन आप इस इलाके को देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर भी मिले थे उन्होंने भी कहा था ये सामने से आप देखेंगे तो आपको पहाड़ का लुक भी दिखाई दे जाएगा सामने। मनी के पास का पहाड़ का आपको यहाँ से देख सकते हैं, गली से पहाड़ का लुक भी देखिए कितना खूबसूरत लोग है। और ये आदर्श नगर का इलाका है, तो आप यहीं रहते हैं? क्या नाम है भाई साहब का? मंगल सिंह। मंगल सिंह, ये भी यहीं रहते हैं। और मार्केट संवाद आप देखते हैं? हाँ देखते हैं। कैसा लगता है? सही लगता है। चलिए हमारे सब्सक्राइबर आपको यहाँ भी दिखाई दे, पीछे भी बच्चे आपको भी मिले थे कई सारे, उन्होंने भी देखा था। तो ये जो आदर्श नगर के पीछे का हिस्सा है, जैसा कि हम आपको बता रहे, पूरा आप पंडित बवाहगढ़ से पीछे से घूमते हुए जब आते हैं तो यह पीछे वाली सड़क है, ये थोड़ी कम चौड़ी सड़क है, लेकिन यहाँ भी आपको पूरी तरह से सफाई नज़र दिखाई दे रही होगी। और यह वापस उसी जगह आएगी जिस जगह, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कारगिल पार्क के पीछे वाले हिस्से में आप आ जाएंगे। तो सीपरी बाज़ार के झांसी के जो आदर्श नगर का इलाका है, मसीहगंज से सटा हुआ है, जहाँ पूर्व सांसद चंद्रपाल सिंह यादव के निवास से बगल से रास्ता है, कारगिल पार्क के बगल का रास्ता है। और सबसे बड़ी बात जो, जैसा कि मैंने बताया कि झांसी का जो सीपरी बाज़ार का इस इलाके का पंडित बवाहगढ़ के पास का यह आदर्श नगर का इलाका। तो हम फिर एक बार, जैसा कि जहां से हम आपको चले थे पूरा इलाका दिखाते हुए, वापस मुख्य सड़क पर आ गए हैं। तो फिलहाल हमने आपको पंडित बवाहगढ़ के पूरे अंदर का हिस्सा और सड़क से लेके पूरे वहां इलाके को दिखाया। आपको यह इलाका कैसा लगता है, क्या बदलाव आपने इस इलाके में देखे, कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।